हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आप सभी का दोस्त वाइस गुरु। और आज वाइस गुरु आप सभी का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि आप सभी के प्यार की वजह से वाइस गुरु आज 350 सब्सक्राइबर तक पहुंच चुके हैं। आप इसी तरह अपना प्यार और अपना आशीर्वाद निरंतर बनाए रखें। दोस्तों, मेरी पॉलिटिक्स में कोई रुचि नहीं है, पर फिर भी बहुत दिनों से CAA कानों में गूंजता जा रहा था। सोचा कि थोड़ा इसके बारे में समझूं और आप सबको शेयर करूं। अगर मेरे बोलने या समझाने में कोई भी त्रुटि लगे तो मैं आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूं। सन 1947 में भारत का विभाजन धार्मिक आधार पर हुआ। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश रहा, किंतु पाकिस्तान इस्लामिक राष्ट्र बना। वह पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश भी इस्लामिक राष्ट्र बना, सेक्युलर नहीं। मोहम्मद अली जिन्ना ने निरंतर अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का आश्वासन दिया, जिसमें स्पष्ट किया गया था कि पाकिस्तान सरकार अल्पसंख्यकों को बिना किसी धार्मिक भेदभाव के बराबर की नागरिकता देगी व उनके साथ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट कानून के अंतर्गत अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान इन इस्लामिक देशों से धार्मिक प्रताड़ना के कारण विस्थापित हुए लोगों को भारतीय नागरिकता प्रदान की जाएगी। धार्मिक प्रताड़ना के कारण विस्थापित हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई लोगों को इस कानून के अंतर्गत रखा गया है। 31 दिसंबर 2014 के पूर्व से भारत में रह रहे पाकिस्तान, बांग्लादेश व अफगानिस्तान से आए धार्मिक प्रताड़ित शरणार्थी इस अधिनियम के अंतर्गत आवेदन करने हेतु योग्य माने जाएंगे। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के धार्मिक उत्पीड़ित अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्ति जो भारत में 31 दिसंबर 2014 से पहले से रह रहे हैं, उनके लिए भारत की नागरिकता पाना सरल हो जाएगा और उन्हें नागरिकता उस तिथि से मिलेगी जब वो भारत आए थे। पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से बड़ी संख्या में लोग आकर भारतीय संसाधनों पर कब्जा कर लेंगे की बात मिथ्या, दुष्प्रचार भर है। यह अधिनियम 31 दिसंबर 2014 से पूर्व भारत में रह रहे शरणार्थियों पर ही लागू होगा। मेरी आप सबसे विनम्र विनती है कि इस अधिनियम को छात्रों व विश्वविद्यालयों से जोड़कर ना देखें। ये केवल और केवल पड़ोसी देशों के प्रताड़ित शरणार्थियों से ही संबंधित है। ये पूरा विरोध आंदोलन कुछ असामाजिक तत्वों तथा राजनीतिक पार्टियों द्वारा निहित स्वार्थों की पूर्ति हेतु दुष्प्रचार अभियान के रूप में चलाया जा रहा है। यह अधिनियम किसी भी प्रकार से शिक्षा, छात्र या विश्वविद्यालयों से संबंधित नहीं है। समाज के सभी जिम्मेदार नागरिकों को इस प्रकार के समाज को तोड़ने के प्रयासों को सफल नहीं होने देना चाहिए और वास्तविकता से स्वयं परिचित होकर अपने परिवार व साथी मित्रों को भी अवगत कराना चाहिए। आशा करता हूँ आपने इसे पसंद किया होगा। आने वाले सारे अपडेट्स के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप सभी का शुक्रिया।